एनिमल्स के बारे में अगर बात करें तो देयर आर लैक्स ऑफ वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट तरह के एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जब बात करें उनकी डोमेस्टिकेशन की तो आपको लगभग लगभग सब मिल जाएंगे जूज और एक्वेरियम्स के अंदर, एक्सेप्ट दिस वन। वेलकम टू द वॉइस, और आज हम बात करेंगे अबाउट ग्रेट वाइट शार्क। ग्रेट वाइट शार्क को आप पहचान लोगे उसके वाइट कलर के बेली की वजह से और ब्लू, ब्लैक या ब्राउन बैक की वजह से। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिशेस जो आपको पानी में मिलेगी, बट इट रेयरली अटैक्स ह्यूमंस। आपको एक साल के अंदर लेस देन 10 केसेस मिलेंगे ह्यूमन अटैक्स के, वो भी सिर्फ इसलिए या तो शार्क खुद डर गई हो या तो वो आपको कोई फिश समझ ले और अटैक करे। लेकिन क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज़ नॉट कैप्ट इन एक्वेरियम, आई मीन एवरी फिश इज, व्हाई शार्क इज नॉट कैप्ट इन एक्वेरियम। द आंसर इज वेरी यूनिक। द ग्रेट वाइट शार्क व्हेन कैप्ट इन एक्वेरियम गेट्स डिप्रेस्ड। यस, इतने खतरनाक शरीर, इतने खतरनाक बॉडी, इतने खतरनाक दांत होने के बावजूद उसके अंदर छुपा है एक बड़ा कोमल दिल जो फ्रीडम चाहता है। जब ग्रेट वाइट शार्क्स को एक्वेरियम में लाया जाता है तो वो अपनी भूख खो दे देते हैं। ग्रेट वाइट शार्क्स को हम जो खाना देते हैं वो नहीं खाते, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं उस खाने को, और 16 घंटों से लेकर 6 महीनों के टाइम में वो अपनी जान दे देते हैं एक्वेरियम के अंदर। वो खाना नहीं खाते जो हम उनको देते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपना हंट करना पसंद करते हैं, वो अपने खाने के पीछे जाना पसंद करते हैं और वो हमारा खाना नहीं खाते। इसके अलावा ग्रेट वाइट शार्क्स अपने ओशन से इतना प्यार करते हैं कि वो ओशन वाटर को पहचान लेते हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये पानी ओरिजिनल नहीं है, चाहे आप उसमें कितना भी साल्ट डाल दें, वो हमेशा उनको लगेगा कि इसमें कुछ कमी है। जब हम ग्रेट वाइट शार्क्स को एक्वेरियम में रखते हैं वो उसमें सही से नहीं रहते और डिप्रेस्ड रहते हैं। ग्रेट वाइट शार्क्स अपने मुंह की वजह से सांस लेते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ से वहाँ घूमें, पर जब एक्वेरियम में रखते हैं वो यहाँ से वहाँ नहीं घूमते और अपनी वॉल से सर पटक पटक के इंजर्ड हो जाते हैं। दिस इज द रीज़न दे आर नॉट कैप्ट इन एक्वेरियम। इनफैक्ट शार्क्स आर नॉट द ओनली एनिमल्स दैट गेट डिप्रेस्ड, मोस्ट ऑफ द फिशेज गेट डिप्रेस्ड व्हेन कैप्ट इन एक्वेरियम। उनका दिमाग हमारी तरह काम करता है, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी फ्रीडम चाहते हैं। दिस मीन्स दैट ग्रेट वाइट शार्क्स आल्सो हैव फीलिंग्स लाइक अस, दे आर सेंसिटिव एंड व्हाट दे वांट इज टू बी फ्री। विद दिस नोट, साइनिंग ऑफ।